हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन सिस्टम का लास्ट सिस्टम एक बचा हुआ है हमारा नर्वस सिस्टम। इससे पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, सारे के सारे सिस्टम हमने देख लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम भी देख लिया। लास्ट जो बचा हुआ था नर्वस सिस्टम। तो ध्यान देना, ह्यूमन बॉडी में जो सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम ही है। इसको हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के नाम से भी जानते हैं। हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, आपको पता है हमारी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे हमारी बॉडी लगातार सांस लेती रहती है, हमारी हार्ट बीट लगातार चालू रहती है, हृदय हमारा जो है लगातार बीट करता रहता है, धड़कता रहता है, पंप करता रहता है ब्लड को, हमारा डाइजेशन प्रोसेस लगातार चलता रहता है। मतलब हम सोते हैं उसके बावजूद भी हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन काम करते रहते हैं। हम सो जाते हैं स्टिल हमारी बॉडी काम करती रहती है। हम हर कोई भी चीज़ होती है, कोई भी हमारे आसपास कोई घटना होती है उसका रेस्पॉन्स देते हैं। जैसे मान लो किसी ने आवाज़ लगाई, हम फटाफट मुड़ के देखते हैं कौन है, ठीक है, या अपने एनवायरमेंट में जो भी घटनाएँ हो रही हैं उनको हम फील कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। तो ये जो हमारी बॉडी जो रेस्पॉन्स दे रही है एवरी एक्टिविटी के प्रति, क्या करिए रेस्पॉन्स दे रही है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए है हमारा नर्वस सिस्टम जिम्मेदार है, उसके लिए हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जिम्मेदार है। हम बहुत सारे काम करते हैं, एक बार जैसे मान लो आप साइकिल चलाना सीखे सपोज, उसके बाद स्टार्टिंग में पहले आपको सिखाना पड़ता है, बाद में आप अपने आप पैडल मारने लग जाते हो। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं ना, कई बार कहते हैं अब तो मैं ये काम आंख बंद करके कर लूँगा, स्टार्टिंग में थोड़ा सा सिखा दो उसके बाद आपकी हैबिट बन जाती है। तो बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है वो इन सब चीज़ों को सीखता है, जब वो कहाँ पर ये मेमोरी स्टोर होती है, तो वो सब किसका पार्ट है? नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और नर्वस सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है हमारा ह्यूमन ब्रेन आता है। जैसे नर्वस सिस्टम की बात करें तो 2 प्रकार का नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे हम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन आते हैं, तो अपनी बॉडी का जो कंट्रोल सेंटर है ना, अपनी बॉडी का जो मेन जो कंट्रोल रूम है वो क्या है? वो है हमारा ह्यूमन ब्रेन। सारी चीज़ों को, हमारी ह्यूमन बॉडी में सारी चीज़ों को कौन कंट्रोल कर रहा है? ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल करता है। तो इस वाले टॉपिक में हम यही देखेंगे कि कैसे हमारी बॉडी हमारे आसपास की एक्टिविटी जो होती है उनके प्रति कैसे रिएक्ट करती है, कैसे सिग्नल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे मान लो किसी ने आवाज़ लगाई, मान लो किसी व्यक्ति ने आवाज़ लगाई, तो वो आवाज़ क्या होगी? वो कानों तक जाएगी। सपोज इसके कानों तक गई, कान में जाने के बाद आपको पता है ईयर में हमारे में ऑडिटरी नर्व्स होती हैं जो ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं। सिग्नल ब्रेन में जाएगा, ब्रेन में जाने के बाद ब्रेन इंटरप्रेट करेगा, उसको पढ़ेगा ये सामने वाला क्या कह रहा है। अगर सामने वाला आवाज़ लगा के आपको बुला रहा है तो आपकी बॉडी को एक सिग्नल मिलेगा ब्रेन से कि चलो भाई आगे बढ़ो। आपको पता है हमारे हाथ चलते हैं, पैर चलते हैं, हमको किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। जैसे आप मान लो राइडिंग कर रहे हो, या फिर मान लो बाइक चला रहे हो, या फिर गाड़ी चला रहे हो, तो किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में नहीं जाना है, कितना आगे जाना है, कितनी स्पीड में चलाना है, कितनी स्पीड में नहीं चलाना। तो हर चीज़ हमारी, मतलब हमारी बॉडी एक परफेक्ट तरीके से काम करती है। तो परफेक्ट तरीके से काम कर रही है तो उसके पीछे एक ही चीज़ जिम्मेदार है, वो है हमारी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से क्या होता है, हमारे बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, वो हमारे अकॉर्डिंग काम करते हैं। अगर ये सिस्टम फेल हो जाए तो फिर सारी सिस्टम क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। फिर जितनी भी हमारे बॉडी में चीज़ें वो सही से काम नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे आपने देखा हो कई बार जब भी आप किसी गर्म चीज़ से हाथ लगाते हो तो फटाफट एक तो सिग्नल जाएगा, पता नहीं कितना, मतलब बहुत माइक्रो सेकंड्स लगते हैं सिग्नल को पहुंचने में और वापस आने में। तो जैसे मान लो आपने हाथ गर्म जैसे मोमबत्ती है, यहाँ पे मोमबत्ती रखी हुई है, जैसे ही हाथ लगाया ब्रेन से सिग्नल आएगा भाई ये तो गर्म है, हटा ले हाथ को, फटाफट एक झटका लगता है, उतने में तो आपका हाथ ऊपर हो जाता है, ठीक है। देखा कि नहीं देखा, जब भी पैर में कांटा चुभता है तो फटाफट पैर ऊपर कर लेते हैं, हैं, ठंड लगती है तो हम कहते हैं अरे यार शरीर को ठंड लग रही है, फटाफट कपड़े पहन लेते हैं। तो हमारी बॉडी क्या करती है, आसपास में जो भी घटनाएं हो रही हैं उनको क्या करती है, उनको सेंस करती है और उनके प्रति एक्ट करती है। और इसके पीछे जो जिम्मेदार है वो है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या नर्वस सिस्टम, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मतलब सेंस करने की कैपेसिटी, सेंस करने की कैपेसिटी। क्या मतलब है सेंसिटिविटी का? एनिमल्स एग्जिबिट रेस्पॉन्स टू इट्स एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो चेंजेज इट्स द एनवायरनमेंट, चेंजेज इन द एनवायरनमेंट, दिस प्रोसेस इज नोन एज सेंसिटिविटी। जो एनिमल्स होते हैं वो क्या शो करते हैं, एग्जिबिटिव मतलब शो करना, क्या शो करते हैं, वो रेस्पॉन्स शो करते हैं किसके प्रति, हमारे एनवायरनमेंट के प्रति, हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट है उसके प्रति रेस्पॉन्स शो करते हैं। जो भी एनवायरनमेंट हो रहा है उसके प्रति मतलब अपने आप को अपनी तरफ से कुछ रेस्पॉन्स देते हैं। जैसे किसी ने आवाज़ लगाई हमारे आसपास तो हम उसको रेस्पॉन्स देंगे, ठीक है। या मान लो हमें कुछ फील हो रहा है उसके बारे में मतलब पता लगता है कि हाँ यार यहाँ पे कुछ होने वाला है,
होता है कि नहीं होता, यहाँ से निकल लो या बरसात होने वाली है निकल लो यहाँ से, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम अपने सराउंडिंग में जो भी चीज़ें उसको क्या देते हैं, फील भी करते हैं और उसके प्रति रेस्पॉन्स भी देते हैं। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, सेंसिटिविटी कहलाती है। क्या कहलाती है, सेंसिटिविटी। ऑल लिविंग बींग एग्जिबिट सेंसिटिविटी, जितने भी लिविंग बींग है चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, वो क्या शो करते हैं, सेंसिटिविटी शो करते हैं। पेड़ भी जो प्लांट्स होते हैं वो भी शो करते हैं। एक छुई मुई का प्लांट होता है, आप उसे हल्का सा हाथ टच कर दो उसकी पत्तियाँ मतलब मुड़ने लग जाएंगी। तो मतलब ये क्या शो कर रहा है, सेंसिटिविटी को शो कर रहा है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में भी कोई जैसे ही हाथ रखता है तो हमें पता चल जाता है कोई हाथ रख रहा है, ये भी क्या शो कर रहा है, सेंसिटिविटी को शो कर रहा है। आप मतलब कुछ खाओगे खट्टा मीठा, किससे पता चलता है, जीभ से पता चलता है। ये भी किस, ये भी क्या एक प्रकार का सेंसिटिविटी का ही पार्ट है। आँखों से हम देख के पता लगाते हैं, स्मेल सूंघ के हम पता लगा लेते हैं कि यहाँ पर क्या सिस्टम है, कोई गंदी गैस है या जहरीली गैस है, उसका पता लगाते हैं। तो हमारी बॉडी क्या करती है, आसपास में जो भी चीज़ें उसको सेंस करके उसको फील करके क्या करती है, रेस्पॉन्स शो करती है। इनको हम बोलते हैं फाइव सेंसेस। तो ये क्या करते हैं, सिग्नल देते हैं, और ये सिग्नल कहाँ जाता है, ब्रेन में जाता है, और ब्रेन फिर उसको बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक भेजेगा कि अब आपको एक्शन क्या लेना है। ठीक है, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब कैसे, मतलब जो इम्पल्स होती है वो मूव करती है। इम्पल्स मतलब जैसे सपोज यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या हुआ, उंगली गर्म लग रही है, जैसे ही कैंडल के पास ले गए तो यहाँ पे ये गर्म हुआ, ये अब यहाँ से एक सिग्नल जनरेट होगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स। तो ये इम्पल्स कैसे जाती है, तो आपको पता है उंगली से, उंगली में जैसे इसको बोला रिसेप्टर, यहाँ से आप सेंस करोगे, सेंस करने के बाद ये सिग्नल जाएगा आपके स्पाइनल कोड तक, स्पाइनल कोड से ब्रेन में जाएगा, तो ब्रेन तक पहुँचा और ब्रेन को पता चला गया यार उंगली जल रही है, तो ब्रेन फिर एक और सिग्नल भेजेगा उंगली को, और फिर उंगली की मसल्स को मतलब सिग्नल देगा कि यहाँ से उंगली को हटाओ। तो कुल मिला के जो सिग्नल है वो कैसे कैसे जाते हैं, कोई भी सेंसरी ऑर्गन, हमने देखे थे सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से, ये सारे के सारे सेंसरी ऑर्गन हैं, स्किन हो गया, आई हो गई, नोज और ईयर और आपकी टंग, ये क्या हैं, सेंसरी ऑर्गन्स हैं। ठीक है, जब हम मतलब किसी भी चीज़ को सेंस करते हैं तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें रिसीव होती है, हमारे ब्रेन को जो इन्फॉर्मेशन रिसीव हो रही है वो किसके थ्रू होती है, सेंसरी ऑर्गन्स। हम कुछ भी देखते हैं उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, तो देखने पर कुछ ना कुछ हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सुनने के आधार पर, सूंघने के आधार पर, ठीक है, बहुत सारे मतलब सिग्नल मिलते हैं हमारे ब्रेन को। ठीक है, द इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड बाय दिस सेंसरी ऑर्गन रीच द कंट्रोल सेंटर, कहाँ पहुँचती है, कंट्रोल सेंटर, और कंट्रोल सेंटर क्या है, ब्रेन, स्पाइनल कोड, गैंग्लियंस, थ्रू दी नर्व्स, किसके थ्रू, नर्व्स के थ्रू, और इसी को हम बोलते हैं कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। अब देखो हमारी बॉडी है ना पूरी की पूरी किससे कनेक्टेड है, ब्रेन से कनेक्टेड है, और ब्रेन से पहले हमारी बॉडीज में बहुत सारी क्या पाई जाती हैं, नर्व्स पाई जाती हैं, सेंसरी नर्व्स पाई जाती हैं, मोटर नर्व्स पाई जाती हैं। ये नर्व्स क्या करती हैं, जो सिग्नल्स होते हैं उनका कंडक्शन करती है, कंडक्शन मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से सिग्नल जैसे स्पाइनल कोड तक गया, स्पाइनल कोड से ब्रेन, फिर ब्रेन से स्पाइनल कोड और स्पाइनल कोड से उंगली तक आएगा। तो ये क्या हो रहा है, सिग्नल का कंडक्शन हो रहा है। अब कोई पूछ ले कि नर्वस सिस्टम क्या भाई, तो नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है विच कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड कोऑर्डिनेट द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। मतलब नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे बहुत सारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको कंट्रोल करता है। आप देखो आपके हाथ कैसे काम करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ कुछ ना कुछ चीज़, तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, मेरा नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा, तो इसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है, नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। तो हर चीज़ किसके थ्रू कंट्रोल हो रही है, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनको कंट्रोल कर रहा है नर्वस सिस्टम। दूसरा, कोऑर्डिनेट दी फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। अब मतलब हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, तो कई सारे ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं, जैसे हम खेलते हैं फुटबॉल खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, तो आपने देखा होगा हम पैरों का सही से इस्तेमाल करते हैं, हाथों का सही से इस्तेमाल करते हैं, कैसे मतलब बॉल को घुमाना है, कैसे बैट को घुमाना है, कुछ भी काम करो आप बहुत सारे काम करते हैं, तो जहाँ पर हमारी बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है कि कितना हमें आगे जाना है कितना पीछे जाना है, तो और ड्राइविंग करते समय कितनी स्पीड से चलाना है, तो हर चीज़ को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए जो जिम्मेदार सिस्टम है वो है नर्वस सिस्टम। अगर व्यक्ति का नर्वस सिस्टम अच्छा है तो वो ज़्यादा अलर्ट रहता है, कमज़ोर है तो कम अलर्ट रहता है। तो नर्वस सिस्टम इसी को बोलते हैं जो हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स हैं उनके बीच में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करता है, समन्वय एस्टेब्लिश करता है कि कहाँ कहाँ पर कितना कितना काम करना है, और बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम।
नर्वस सिस्टम इज मेड ऑफ नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स। नर्वस सिस्टम जो है एक नर्व सेल के जो नेटवर्क है उससे बना हुआ है। हमारी पूरी बॉडी में एक सेल्स पाई जाती हैं, नर्व सेल्स, इनका नेटवर्क बिछा हुआ है जो क्या करती हैं, सिग्नल ट्रांसफर करती हैं और सिग्नल वापस मतलब बॉडी से ब्रेन तक और ब्रेन से बॉडी पार्ट्स तक सिग्नल लेके जाती है। और इन्हीं नर्व सेल्स को हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। तो ये वाला डायग्राम आपने देखा होगा 9th क्लास में, इसको हम बोलते हैं न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, फिलहाल तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अभी तक हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा कि नर्वस सिस्टम क्या है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो बॉडी के वेरियस पार्ट्स को कंट्रोल करता है, एज वेल एज वेरियस पार्ट्स के बीच में, वेरियस ऑर्गन्स के बीच में, वेरियस सिस्टम्स के बीच में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करता है, उसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है, अच्छा अब बुक में जो दे रखा है वो हम देखते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या है? ह्यूमन नर्वस सिस्टम द सिस्टम विच कंट्रोल द वर्किंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड कोऑर्डिनेट द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को क्या करता है, उनकी वर्किंग को कंट्रोल करता है एंड कोऑर्डिनेट द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, और जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग को क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट मतलब मिलजुल के काम करते हैं बॉडी के कई सारे ऑर्गन्स, उसको हम क्या बोलते हैं नर्वस सिस्टम। अब जैसे मान लो हम खाना खा रहे हैं, खाना खाते समय हमारे हाथ भी काम करते हैं, खाना खाते समय हमारा मुंह भी काम करता है। अगर कोई आपसे बोल देता है तो आप उसको रेस्पॉन्स भी देते हो और आंखों से कई सारी चीज़ें देखते भी हो। तो मतलब आपने देखा ना कई बार आपने सुना होगा यार ये बंदा तो मतलब मल्टी पर्सनैलिटी है, मतलब एक साथ दो दो काम कर रहा है, एक साथ तीन तीन काम कर रहा है, कितना मतलब खतरनाक दिमाग है। तो ये तीन तीन काम कर रहा है, चार चार काम कर रहा है, एक काम कर रहा है, बड़ा तेज काम कर रहा है, फास्ट काम कर रहा है, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है भाई? इसको कंट्रोल कर रहा है नर्वस सिस्टम। कौन कंट्रोल कर रहा है? नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। अब नर्वस सिस्टम कोई पूछ ले किन किन चीज़ों से बना होता है, तो मेनली इसमें ये तीन चीज़ होती हैं, ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स। ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स, ये तीन चीज़ होती हैं। इट कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स की फंक्शनिंग मतलब उनकी कार्य प्रणाली को क्या करता है, कंट्रोल करता है। आप दौड़ लगा रहे हो, आपके पीछे कुत्ते पड़ गए या आपके पीछे पुलिस पड़ गई, सपोज आपने कुछ क्राइम कर दिया, तो फटाफट हमारा नर्वस सिस्टम क्या देगा, आपको एनर्जी देता है, आपको बूस्टर मतलब एक प्रकार से इतनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा आप तेज भागने लग जाओगे। कई बार होता है ना जैसे कुत्ते पीछे पड़ जाए तो भाई साहब हम जान लगा के भागते हैं, हमारी बॉडी में अचानक कहाँ से एनर्जी आ जाती है पता नहीं। तो उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। रात को आप सो रहे हो, आपको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है तो एनर्जी सेव करता है, ये भी कौन कर रहा है? नर्वस सिस्टम कर रहा है। आपको भूख लगी, पता कैसे चला? नर्वस सिस्टम के द्वारा। आपको नींद आ रही है, पता कैसे चला? नर्वस सिस्टम के द्वारा। मतलब अगर आपका मतलब जो भी काम कर रहे हो ये सब किसकी देन है? नर्वस सिस्टम की देन है। अगर हमारा नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देगा ना, तो सुना है ना आपने कोमा वाली कंडीशन, कोमा वाली कंडीशन में क्या होता है, बॉडी रिएक्ट ही नहीं करती, आपको पता ही नहीं चलता, आपका हाथ काट दे, कोई पैर काट दे, आपको पता ही नहीं चलेगा। अभी हमें फटाफट कैसे पता चल जाता है, आप बॉडी को कहीं भी टच करो, कहीं भी टच करो, आपको तुरंत पता चल जाएगा यार इस जगह पर किसी ने टच किया है, हैं? और जब कोमा में चले जाते हैं तो क्या होता है, कोमा में बंदे को पता ही नहीं रहता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो वहाँ पे उसका नर्वस सिस्टम फेल। या कई बार आपने देखा होगा आप पैरालिसिस हो जाता है, बॉडी के ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं, तो समझ लो वहाँ का जो एरिया है, वहाँ की जो सेल्स हैं, नर्व्स हैं, वो क्या हो चुकी हैं, डैमेज हो चुकी हैं, या वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज का सिस्टम है ख़त्म हो चुका है। तो नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। जब तक ये है समझ लो हमारी बॉडी सही से काम कर रही है, ये सिस्टम ख़त्म हुआ समझ लो आदमी डेड हो गया, मर गया। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है, जितने भी सिस्टम है वो तो चलो। अब देखो बॉडी में हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, मगर सबका बाप, मैं कहूँगा सबका बाप कौन है, नर्वस सिस्टम है। यही बाकी सिस्टम को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अब कोई पूछे कि नर्वस सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको बताना नर्वस सिस्टम को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम CNS एंड PNS। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल्स में तो हम आगे चर्चा करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है, बाकी पूरी बॉडी में जो भी नर्व्स का नेटवर्क फैला हुआ है वो क्या कहलाता है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है। तो ध्यान रखना ब्रेन और स्पाइनल कोड किसका पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, और बॉडी में जितनी भी नर्व्स फैली हुई हैं ये किसका पार्ट है, ये है आपका पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। तो कोई पूछ ले कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज़ आती है, तो आपको बताना है कि भैया ब्रेन और स्पाइनल कोड आती है। ठीक है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में ये आती हैं आपकी क्या क्या, नर्व्स आती हैं। अब नर्व्स दो प्रकार की होती हैं, अभी मैं बताऊँगा।
तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो दिस इज कंपोज्ड ऑफ पेरीफेरल नर्व्स विच कम्स आउट ऑफ स्पाइनल कोड। इसमें वो नर्व्स आती हैं जो स्पाइनल कोड से बाहर जा रही हैं, स्पाइनल कोड से बाहर जा रही हैं, तो सारी की सारी नर्व्स क्या कहलाती हैं, सारी की सारी नर्व्स कहलाती हैं किसका पार्ट है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अब बॉडी में जो भी एक्टिविटी हो रही है बाहर, वो नर्व्स के थ्रू वो एक्टिविटी या वो इन्फॉर्मेशन कहाँ तक जाएगी, स्पाइनल कोड तक जाएगी, और स्पाइनल कोड से सीधे कहाँ जाएगी, ब्रेन में। तो ध्यान रखना, बॉडी की जितनी भी नर्व्स ज्यादातर किससे कनेक्टेड है, स्पाइनल कोड और ब्रेन से कनेक्टेड है। तो स्पाइनल कोड के बाद सीधी इंफॉर्मेशन कहां जाएगी, ब्रेन में, और ब्रेन से स्पाइनल कोड, और स्पाइनल कोड से नर्व्स के थ्रू आएगी। ठीक है, अच्छा। तो ये जो नर्व्स होती हैं, पेरिफेरल जो नर्व्स होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं सेंसरी नर्व्स, एक होती हैं मोटर नर्व्स। अब समझो एक बार, सेंसरी नर्व्स मतलब सेंस करने वाली। अब जैसे मान लो मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप उसको सुन रहे हो, तो कान से वो सिग्नल कहाँ जा रहा है, ब्रेन में जा रहा है। ईयर से सिग्नल कहाँ जा रहा है, ब्रेन में जा रहा है। तो सेंस करने वाली नर्व्स हो गई आपकी। अब मैं कह रहा हूँ मुंडी हिलाओ अपनी, अपना चेहरा हिलाओ, अपना मुँह हिलाओ एक बार, तो आप मुँह हिला रहे हो। तो इसका मतलब जो सिग्नल, मुंह हिलाने का जो सिग्नल आ रहा है, वो सिग्नल कौन लेके आ रहा है, ब्रेन से, मोटर नर्व्स लेके आ रही हैं। तो ध्यान रखना, बॉडी से सिग्नल, बॉडी के प्रत्येक पार्ट से सिग्नल ब्रेन तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, ब्रेन तक। तो ब्रेन तक कौन ले जाता है, सेंसरी नर्व्स। कौन ले जा रहा है, सेंसरी नर्व्स। तो सेंसरी नर्व्स ऐसी होती हैं जो किसी ऑर्गन से ब्रेन तक क्या ले जाती हैं, सिग्नल ले जाती हैं। अब ब्रेन से ऑर्गन तक सिग्नल लाने के लिए, ब्रेन से ऑर्गन तक सिग्नल लाने के लिए कौन सी नर्व्स होती हैं, मोटर नर्व्स। आप चल रहे हो, आपका पैर, हाथ, उंगलियां ऊपर नीचे या आगे पीछे मूव कर रही हैं, आप आगे पीछे मूव कर पा रहे हो, तो बॉडी का जो मूवमेंट हो रहा है उसके लिए जो सिग्नल लेके आ रही है वो कौन है, मोटर नर्व्स। ब्रेन तक जो सिग्नल जा रहा है वो कौन लेके जा रही है, सेंसरी नर्व्स। तो ध्यान देना, नाम से ही पता चल रहा है, सेंसरी, सेंस करके सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाना, कंट्रोल रूम तक पहुंचाना। मोटर नर्व्स जो मतलब कंट्रोल रूम से, मतलब ब्रेन से सिग्नल लेके आ रही हैं और अपना काम स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, तो सेंसरी नर्व्स की बात करें, सेंसरी नर्व्स ट्रांसफर द स्टिमुली फ्रॉम द टिश्यू एंड ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्टिमुली मतलब जो भी इनपुट मिल रहा है, आप जैसे यहाँ पे मान लो ये हाथ को चेक कर रहे हैं, यहाँ पे गर्म है हाथ, तो यहाँ से एक सिग्नल मिला, क्या मिला, सिग्नल मिला। तो ये सिग्नल, इसी को हम क्या बोले, स्टिमुली। आपने सुना तो कान में मतलब एक स्टिमुली जनरेट होगा, एक सिग्नल जनरेट होगा। तो इस सिग्नल को टिश्यू या ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचाने वाली जो आपकी नर्व्स होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सेंसरी नर्व्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंसरी नर्व्स बोलते हैं। अब आपको मान लो पानी, प्यास लगी हुई है, क्या लगी हुई है, प्यास, तो आपने आंखों ने देखा, हाँ भाई ग्लास यहाँ पे रखा हुआ है, सेंस किया, क्या किया, सेंस। सिग्नल कहाँ गया, ब्रेन में गया। अब ब्रेन से सिग्नल आया कि हाँ भाई चलो हाथ आगे करो। अब यहाँ पे देखो, इसने हाथ आगे किया और पानी को पीना स्टार्ट कर दिया। तो हाथ को ऊपर नीचे लेने सिग्नल किसने दिया, मोटर नर्व्स ने। मोटर नर्व्स को कहाँ से सिग्नल मिला, ब्रेन से सिग्नल मिला। तो मोटर नर्व्स ऐसी नर्व्स होती हैं जो रेगुलेटरी स्टिमुलस को ट्रांसफ़र करती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से करस्पॉन्डिंग ऑर्गन तक। रेगुलेटरी मतलब क्या होता है, रेगुलेट करने वाला। अब जैसे यहाँ पर क्या हुआ था, पानी को पीने का सिग्नल मिला, तो ब्रेन से सिग्नल आया रेगुलेटरी सिग्नल की, भाई हाथ मुड़ जा और हाथ गिलास तक जाएगा और गिलास से फिर उसको पानी को पी जाएगा बंदा। ठीक है, तो समझ में आया, क्या समझ में आया, दो प्रकार की नर्व्स बताई मैंने, सेंसरी नर्व्स जो सिग्नल लेंगी, स्टिमुली लेंगी, उसको टिश्यू या ऑर्गन से कहाँ तक पहुँचाती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचाती हैं। और मोटर नर्व्स वो होती हैं जो सिग्नल को आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से करस्पॉन्डिंग ऑर्गन तक पहुँचाती हैं, उनको बोलते हैं मोटर नर्व्स। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एक तो सिग्नल जा रहा है, ये ग्रीन सिग्नल जा रहा है, कहाँ पे गया, ये आपके यहाँ पे गया आपके स्पाइनल कोड, और फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, ब्रेन में जाएगा। फिर ब्रेन से सिग्नल आएगा स्पाइनल कोड तक, और फिर ये ब्लू बल आ रहा है, ये मसल्स को जाएगा और हाथ की मसल्स खींची जाएंगी, तो ये हाथ यहाँ से हट जाएगा। तो दो प्रकार की, ठीक है, ऑर्गन से ब्रेन तक कौन सी नर्व्स होती हैं, सेंसरी नर्व्स। ब्रेन से ऑर्गन तक सिग्नल लाने वाली नर्व्स, मोटर नर्व्स। बस इतना सा आपको याद रखना है। तो ध्यान देना, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है, इसके भी दो भाग होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ध्यान देना, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम किसके पार्ट हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के। तो हमने क्या देखा, नर्वस सिस्टम के दो पार्ट, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कोड। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में दो प्रकार की नर्व्स आती हैं, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स।
और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को क्लासीफाई करें तो दो भागों में, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इतना सा आपको याद रखना है। तो क्या देखा था हमने, नर्वस सिस्टम में पेरिफेरल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, पेरिफेरल के भी दो भाग हैं, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोमेटिक को दो भागों में बांट सकते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑटोमेटिक मतलब अपने आप, ऑटोमेटिक का मतलब क्या है, अपने आप। ऑटोमेटिक कंट्रोल सेल्फ रेगुलेटेड एक्शंस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे काम होते रहते हैं जो अपने आप चलते रहते हैं, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको हम चाहकर अपनी इच्छा से वॉलेंट्री हम उनको कंट्रोल करते हैं, वो किस में आ जाएगा, सोमेटिक नर्वस सिस्टम में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख ही चुके हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, कई सारे डायग्राम दिखा दिए। अब हम डिटेल में चर्चा करेंगे किसके बारे में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ध्यान देना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ आती हैं, ह्यूमन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड और ह्यूमन ब्रेन किस में आती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगले वाले लेक्चर में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पूरे को फिनिश कर देंगे, ब्रेन के बारे में समझेंगे और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में समझेंगे अगले वाले लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे नर्वस सिस्टम का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि नर्वस सिस्टम दो टाइप्स का होता है, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जिसमें कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो बुक में दे रखा है वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो ध्यान रखना, अगर कोई पूछे कि आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो आपको तुरंत बताना है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि सेंटर में, कहाँ पर है, सेंटर में, बॉडी के सेंटर में, या फिर मतलब जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है उनके सेंटर में क्या है, अपना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये किसका पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, या फिर हम कह सकते हैं कि जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है यही मिलके क्या बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं। अब हम देखेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन से कई सारे क्वेश्चंस बनने की संभावना रहती है, उस सारे के सारे क्वेश्चंस आज हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ब्रेन तो आपको पता है हमारी ह्यूमन बॉडी का सबसे प्रीसियस और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बहुमूल्य क्या है, अपना ऑर्गन है। ब्रेन के बारे में कुछ दो तीन पॉइंट हम एक्स्ट्रा देख लेते हैं। पहली बात, अगर ब्रेन का वजन देखें, जनरली जनरल बात कर रहा हूँ मैं, हो सकता है कुछ इसमें डिफरेंस हो, ब्रेन का अगर जनरल बात करें तो इसका जो वेट होता है, बॉडी वेट का 2% होता है। अगर सपोज बॉडी का वेट 100 kg है तो ब्रेन का वेट कितना होगा, 2 kg होगा। तो लगभग 2 किलो, मतलब बॉडी का जितना भी वेट है उसका 2% वेट किसका होता है, ब्रेन का होता है। इट कंज्यूम्स 25% ऑफ शुगर, मतलब इसका कहने का यह है कि अपना जितना भी हम मतलब न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जितना भी खाना खाते हैं उसके दौरान जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उसका लगभग 25% सिर्फ और सिर्फ कौन कंज्यूम करता है, ब्रेन कंज्यूम करता है। तो मतलब इसको बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। अगर ब्रेन को आपको हेल्दी रखना है तो आपको खाना भी कैसा खाना पड़ेगा, हेल्दी खाना पड़ेगा, और उसका 25% लगभग ब्रेन में चला जाता है। इट कंज्यूम्स 20% ऑफ ऑक्सीजन, आपको पता है हम रेगुलर मतलब लगातार ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं, तो जितने भी ऑक्सीजन ले रहे हैं तो उसका 20% कहाँ पर चला जाता है, ब्रेन में चला जाता है, बाकी 80% बॉडी की अदर सेल्स में चला जाता है। ठीक है, तो ब्रेन की अगर हम बात करें तो ब्रेन इज द सेंट्रल वेयर इन्फॉर्मेशन इज एक्सचेंज एंड विच सेंड द सिग्नल टू कंट्रोल डिफरेंट ऑर्गन्स। तो अब मैंने बताया था कि अपनी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अपने बॉडी में जितने भी सेंसेस हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन पहले आती है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी बॉडी के अलग अलग पार्ट से, इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कहाँ पहुँचती है, ब्रेन में पहुँचती है। ठीक है, फिर ब्रेन किसी ऑर्गन को कंट्रोल करने के लिए सिग्नल देता है, तो वो सिग्नल भी कहाँ से जाता है, ब्रेन से बॉडी के अलग अलग ऑर्गन तक भेज दिया जाता है। ब्रेन बहुत सारे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कौन कौन से फंक्शन कंट्रोल करता है, जैसे टेम्परेचर को कंट्रोल करना, ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करना, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना, हियरिंग, स्पीकिंग, विजन, ग्लैंड सीक्रेशंस, किस ग्लैंड में से कौन कौन से हार्मोन्स निकलेंगे, इन सब चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन। मतलब कुल मिला के कहते हैं हमारी बॉडी में जितने भी काम हो रहे हैं ना, जितने भी काम हो रहे हैं, हम जो भी कुछ भी कर पा रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ ब्रेन। इसको बिल्कुल ऐसे समझ लो
ब्रेन को एक प्रकार से, ये सीपीयू है, जैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है ना, सीपीयू निकाल दो कंप्यूटर का कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही अगर ब्रेन है तो सब कुछ है बॉडी में, ब्रेन काम करना बंद कर जाएगा तो सब कुछ बंद। यहाँ पे जो बुक में डायग्राम दे रखा है, ये वाला डायग्राम देख लो, ब्रेन के पार्ट्स दिखा रखे हैं। यहाँ पर ब्रेन का जो सबसे बड़ा जो भाग है, ब्रेन का जो सबसे बड़ा जो भाग है, इसको हम बोलते हैं सेरेब्रम। ध्यान देना, सेरेब्रम ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। यहाँ पर बीच में एक ग्लैंड है जिसको बोलते हैं थैलेमस, ठीक है। थैलेमस के नीचे एक ग्लैंड है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस, और यहाँ पर एक ग्लैंड है बिल्कुल मटर के जैसी, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और ये वाले जो भाग है, इसको नीचे जो इस वाले भाग को बोलते हैं सेरेबेलम। ऊपर ध्यान रखना, कंफ्यूजन बहुत होता है, ऊपर वाला है सेरेब्रम, ये सबसे बड़ा भाग कौन सा है, सेरेब्रम, और ये पीछे की साइड में जो है इसको बोलते हैं सेरेबेलम। और ये ग्रीन जो है ये है स्पाइनल कोड, क्या है, स्पाइनल कोड। और ध्यान देना, यहाँ पर ये है मिडब्रेन, ये है पोन्स, और ये है मेडुला ऑब्लुगाटा, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ मिलके क्या बनाती हैं, ब्रेन स्टेम बनाती हैं, ठीक है। तो इनके बारे में, पार्ट्स के बारे में ध्यान रखना, सबसे बड़ा पार्ट सेरेब्रम, फिर इसके नीचे सेरेबेलम, यहाँ पर दो ग्लैंड्स ध्यान रखना, पहले थैलेमस और थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस, और यहाँ पर ये वाली पिट्यूटरी ग्लैंड्स, और मिड ब्रेन में या ब्रेन स्टेम में क्या क्या चीज़ आती हैं, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लुगेटा, ठीक है, इनके बारे में ध्यान रखना। अब लोब के आधार पर बांटें ब्रेन को, ठीक है। तो ये वाली हो गई फ्रंटल लोब, जो कि रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, थिंकिंग, मेमोरी, बिहेवियर एंड मूवमेंट के लिए। ये है आपकी पैराइटल लोब, जो लैंग्वेज एंड टच के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये है ऑक्यूपिटल लोब, जो साइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, देखने के लिए। ये है सेरेबेलम, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। नीचे ब्रेन स्टेम, जो मैंने अभी बताया था, ब्रीदिंग, हार्ट रेट, टेम्परेचर, इनको कंट्रोल करती है। ये है टेम्पोरल लोब, लोब मतलब हिस्सा, हियरिंग, लर्निंग, फीलिंग्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये बुक में नहीं है, जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है। ये वाले पार्ट्स मैंने अभी आपको बता ही दिए थे, सबसे बड़ा सेरेब्रम, बीच में मिड ब्रेन, फिर सेरेबेलम, ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम के ये पार्ट्स हैं कौन कौन से, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लुगेटा। इसको और तीन भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल आगे आगे वाले ब्रेन को बोलते हैं फोर ब्रेन, बीच वाले ब्रेन को बोलते हैं मिड ब्रेन, और पीछे वाले ब्रेन को बोलते हैं हिंड ब्रेन, ठीक है। ऐसे करके भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। ये और भी डायग्राम है, कई सारे डायग्राम हैं, आपको तो वो जो मैंने बताया था ना बुक वाला, वो वाला लर्न करना है, सबसे पहले जो बताया था, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे अच्छा देख सकते हो, ये है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जिसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें सबसे ऊपर एक तो सेरेबेलम, फिर ये थैलेमस, और फिर इसके नीचे हाइपोथैलेमस, और यहाँ पे जो मटर जैसी है ये है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, और बाकी चीज़ें यहाँ पे, ये मिड ब्रेन हो गया, ये हिंड ब्रेन हो गया, और इसमें फिर पोन्स, मेडुला ऑब्लुगेटा, सेरेब्रम, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। अच्छा, द वेट ऑफ ब्रेन इज अबाउट 1.5 kg। ब्रेन का जो वेट होता है लगभग 1.5 किलो के समथिंग होता है। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाई स्कल। ब्रेन किसके द्वारा प्रोटेक्टेड होता है, स्कल के द्वारा प्रोटेक्टेड होता है। बाहर का जो खोपड़ी सी है, इसको बोलते हैं ना हड्डी वाला स्ट्रक्चर, इसके द्वारा प्रोटेक्टेड होता है ब्रेन। देयर इज ए फ्लूइड इनसाइड द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन। अब ब्रेन की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसमें क्या होता है, फ्लूइड होता है। दिस फ्लूइड इज कॉल्ड सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। यहाँ पे आप देख सकते हो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड दे रखा है। ये हो गया वाइट वाइट स्कल, ये ब्रेन हो गया, और ब्रेन के बीच में ये आउटर लेयर यहाँ पे है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये क्या करता है, ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है जो शॉक्स ना लगे, ठीक है, डायरेक्ट। ब्रेन की पार्ट्स की बात करें तो ब्रेन में तीन पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब सबसे आगे वाला, मिड ब्रेन मतलब बीच वाला, और हिंड ब्रेन मतलब सबसे पीछे वाला ब्रेन, ठीक है। ये भी और डायग्राम से, कई सारे डायग्राम मैंने बना रखे हैं, आप किसी एक डायग्राम को अच्छी तरह से कर लेना, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे फोर ब्रेन की। ये वाला कौन सा है, फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन में तीन चीज़ आती हैं, ध्यान रखना, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है। अबाउट 80-85% ऑफ फोर ब्रेन इज कम्पोज ऑफ सेरेब्रम। ध्यान देना, फोर ब्रेन का लगभग 80-85% जो पार्ट है वो क्या है, सेरेब्रम।
और ये ब्रेन का भी सबसे बड़ा भाग है। और सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ ब्रेन। हमारे ब्रेन में अगर कोई पूछे विच इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ ब्रेन, तो आपको बताना है सेरेब्रम। ठीक है, दिस इज द साइट वेयर नॉलेज कॉन्शियसनेस एंड थिंकिंग प्रोसेसेस। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसी जगह, साइट मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे नॉलेज कॉन्शियसनेस एवं थिंकिंग प्रोसेस चलता रहता है। जो भी हम सीखते हैं, जो भी मतलब हमारा माइंड मतलब सचेत होकर, कॉन्शियसनेस का मतलब सचेत होना और अनकॉन्शियस का मतलब अचेत हो जाना। तो जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम सीखते हैं, जो भी हम सोचते हैं, वो कहाँ पर होता है ये सारा काम? फोर ब्रेन में होता है। ए लॉन्ग एंड डीप फिसर डिवाइड द सेरेब्रम इनटू टू पार्ट्स, लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। मतलब सेरेब्रम में क्या होता है, बीच में एक फिसर होती है, फिसर जो सेरेब्रम को दो भागों में डिवाइड करेगी, लेफ्ट वाले पार्ट्स में और राइट वाले पार्ट्स में डिवाइड करती है। हेमिस्फीयर मतलब आधा गोला, जैसे मान लो ब्रेन गोला है तो बीच में से एक फिसर है, एक दरार सी जो उसको लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर देगी। ठीक है, अच्छा, ईच हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू एक्सटर्नल कॉर्टेक्स, इंटरनल मेडुला। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मतलब कॉर्टेक्स और मेडुला का मतलब क्या होता है। कॉर्टेक्स मतलब बाहर वाला हिस्सा, मेडुला मतलब अंदर वाला हिस्सा। तो दोनों की दोनों हेमिस्फीयर डिवाइडेड है, किसमें? बाहर वाला कॉर्टेक्स और अंदर वाले मेडुला में डिवाइडेड है। कॉर्टेक्स कंटेंस ग्रे मैटर वाइल मेडुला कंटेंस व्हाइट मैटर। यहाँ पे देखो, जो कॉर्टेक्स होता है ये बाहर वाला जो हिस्सा है, क्या है? कॉर्टेक्स है। तो कॉर्टेक्स में कैसा मैटर है? ग्रे मैटर। और अंदर क्या है? मेडुला। और मेडुला का मैटर कैसा है? व्हाइट मैटर है। ठीक है, कॉर्टेक्स कंटेन ग्रे मैटर और मेडुला कंटेंस व्हाइट मैटर। ध्यान देना, फोर ब्रेन की बात कर रहे हैं। द प्रेजेंस ऑफ मैनी नर्व्स इन इज द रीजन फॉर ग्रे कलर ऑफ द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का कलर जो कैसा होता है? ग्रे होता है। इसके लिए कारण क्या है? इसमें बहुत सारी नर्व्स पाई जाती हैं ब्रेन में, उन्हीं की वजह से इसका कलर कैसा होता है? ग्रेन होता है। ठीक है, यहाँ पर बता रखा है हाइपोथैलेमस के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो ग्लैंड्स होती है ना थैलेमस और हाइपोथैलेमस, जैसे हंगर, थर्स्ट, बॉडी टेम्परेचर, सेक्सुअल एक्टिविटी, अराउजल, पेरेंटिंग, पर्सपिरेशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, शिवरिंग, पुपिल डायलेशन और सर्कैडियन रिदम, स्लीप। इन सब चीज़ों के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, बोथ हेमिस्फीयर, लेफ्ट वाला और राइट वाला जो हेमिस्फीयर है, अटैच टू ईच अदर बाई ए मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्पस कॉलोसम। ध्यान रखना, दोनों के दोनों जो मेम्ब्रेन है, जो सॉरी दोनों के दोनों जो हेमिस्फीयर हैं, लेफ्ट और राइट, ये किसके द्वारा कनेक्टेड हैं? ये कनेक्टेड हैं कॉर्पस कॉलोसम। किसके द्वारा? कॉर्पस कॉलोसम के द्वारा क्या है, ये कनेक्टेड हैं। थैलेमस इज द सेंटर ऑफ स्टिमुलस एंड मोटर सिग्नल्स। ठीक है, आपको पता है ब्रेन से जो बॉडी में सिग्नल जाते हैं, ब्रेन से जो बॉडी में ऑर्गन्स को कंट्रोल करने के लिए जो सिग्नल जाते हैं, और स्टिमुलस मतलब बॉडी से ब्रेन तक जो सिग्नल जाते हैं, सिग्नल आना और जाना बॉडी बॉडी से ब्रेन तक और ब्रेन से बॉडी तक, वो सारे के सारे कहाँ पर जाते आते हैं? थैलेमस के पास आते जाते हैं। हाइपोथैलेमस किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? ये हंगर, थर्स्ट, स्लीप, टेम्परेचर, फीलिंग्स, इन सेंसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है कौन? थैलेमस। ठीक है, तो आप देख सकते हो ब्रेन, ये ब्रेन को अगर ऐसे दो भागों में डिवाइड कर देते हैं तो ये दो हेमिस्फीयर में डिवाइड हो जाता है। तो मेजर पोर्शंस तीन ही हैं। पहला हमने कवर कर लिया फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन, तीसरा है हिंड ब्रेन। ठीक है, अब आते हैं हम हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन पर। मिड मतलब बीच वाला जो हिस्सा है उसको हम क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन बोलते हैं। ये जो बीच वाला हिस्सा है ये फोर ब्रेन है और ये पीछे वाला हिंड ब्रेन है। ठीक है, मिड ब्रेन इज सिचुएटेड बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन जो होता है हाइपोथैलेमस और हिंड ब्रेन के बीच में होता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू फोर लोब्स। मिड लोब में, मिड ब्रेन में चार लोब्स होते हैं, चार हिस्से होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना के नाम से जाना जाता है। द अपर टू लोब्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर साइट। ऊपर के जो दो हिस्से होते हैं वो देखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, नीचे के जो दो हिस्से होते हैं वो सुनने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ध्यान रखना, हमने क्या बताया, मिड ब्रेन चार लोब्स में डिवाइडेड है, कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना। इसमें से दो लोब जो होते हैं वो देखने के लिए रेस्पॉन्सिबल है और दो लोब किसके लिए? सुनने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, तो इनके बारे में ध्यान रखना। ये आप देख सकते हो, ये ब्रेन डिवाइडेड है। यहाँ पे तो खैर दो दो पार्ट्स दिखा रखे हैं। कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना मिड ब्रेन के ही पार्ट हैं, ऊपर वाले दो और नीचे वाले दो। ऊपर वालों को इन्होंने दे रखा है सुपीरियर, ये बुक में नहीं है अपनी में, ध्यान देना। बुक में जो नहीं है वो मत करना, मैं तो ऐसे ही मतलब यहाँ पे लिख दिया एक्स्ट्रा चीज़ें। सुपीरियर कॉलिकुली
और इनफीरियर कॉलिकुली। सुपीरियर किसके लिए? विजुअल। और नीचे वाली किसके लिए? साउंड के लिए, मतलब ऊपर वाले जो दो लोब हैं वो सुनने देखने के लिए और नीचे वाले सुनने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, तो मिड ब्रेन में क्या किस किस के लिए रेस्पॉन्सिबल है? आई, सॉरी, विजन, हियरिंग, आई मूवमेंट एंड बॉडी मूवमेंट, इन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। इनको छोड़ो आप, ये तो एक्स्ट्रा चीज़ है। हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन मतलब ब्रेन का जो सबसे सेकंड लार्जेस्ट जो पार्ट है वो है हिंड ब्रेन, क्योंकि सबसे पहले बड़ा पार्ट्स होता है आपका फोर ब्रेन, दूसरे नंबर पे फिर हिंड ब्रेन और तीसरे नंबर पे मिड ब्रेन होता है। अगर हिंड ब्रेन की बात करें तो उसमें तीन चीज़ आती हैं। सेरेबेलम, ये वाला पार्ट क्या है? सेरेबेलम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लुगेटा। तो ये तीनों किस में आते हैं? हिंड ब्रेन में आते हैं। सेरेबेलम कंट्रोल्स वॉलेंट्री मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स। देखो वॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती हैं? जैसे मान लो आप हाथ से लिखना स्टार्ट कर रहे हो तो आप अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे हो, जो भी काम आप अपनी इच्छा से अनुसार करते हैं वो काम कैसा होता है? वॉलेंट्री एक्शन होता है। तो वॉलेंट्री एक्शन के लिए, परफॉर्म करने के लिए कुछ मसल्स होती हैं जिनको बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स। तो वॉलेंट्री जो फंक्शन होते हैं ब्रेन के, मतलब बॉडी के, उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरेबेलम। किसके थ्रू? वॉलेंट्री मसल्स के थ्रू। पोन कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी ब्रेन। ये पोन जो होता है, पोन वाला जो हिस्सा है, ये ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को क्या करता है? कनेक्ट करता है। मेडुला ऑब्लोगेटा इज द लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन विच रिमेन्स कनेक्टेड टू स्पाइनल कोर्ड। ध्यान रखना, ब्रेन का जो मेडुला ऑब्लोगेटा वाला पार्ट है ये ब्रेन को स्पाइनल कोर्ड से कनेक्ट करता है। ठीक है, और मेडुला ऑब्लोगेटा इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री फंक्शंस क्या होते हैं? ऐसे फंक्शंस जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री फंक्शंस। जैसे हार्ट बीट, इसमें हमारी कोई इच्छा नहीं है, हम किसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ब्लड प्रेशर, इसमें भी हमारी कोई इच्छा नहीं है, ये भी ऑटोमेटिक चलता रहता है। सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, बहुत सारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, उनमें से डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं, वो भी हमारे हिसाब से नहीं निकलते हैं। बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होते, उनको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री फंक्शंस। जो हमारी इच्छा के अनुसार होते हैं उनको हम बोलते हैं वॉलेंट्री फंक्शंस। तो मेडुला ऑब्लोगेटा जो है ये इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है, सेरेबेलम जो है ये वॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, हिंड ब्रेन में ध्यान रखना क्या क्या चीज़ आ रही है आपकी, सेरेबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोगेटा। ठीक है, स्पाइनल कोड। अब ब्रेन तो हो गया आपका फिनिश, अब हम बात करेंगे स्पाइनल कोड के बारे में। तो ये क्या है अपनी स्पाइनल कोड? ठीक है, जो रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। ठीक है, तो लेंथ ऑफ स्पाइनल कोड इज 45 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर होती है लगभग, अबाउट लगा दिया मतलब लगभग। इट रन्स अलोंग दी इंटायर वर्टेब्रल कॉलम। ये वर्टेब्रल, ये वाला जो कॉलम है इसको हम बोलते हैं वर्टेब्रल कॉलम, इसमें ये स्पाइनल कोड चलती है। वर्टेब्रल कॉलम प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू स्पाइनल कोड। ये जो वर्टेब्रल कॉलम है ये हमारी जो स्पाइनल कोड है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। स्पाइनल कोड इज कवर्ड बाई टू लेयर्स। और स्पाइनल कोड जो होती है दो लेयर्स के द्वारा कवर्ड होती है, प्रोटेक्टेड होती है। आउटर लेयर इज कम्पोज ऑफ वाइट मैटर वाइल इनर लेयर इज कम्पोज ऑफ ग्रे मैटर। स्पाइनल कोड की जो बाहर वाली लेयर होती है वो वाइट मैटर की होती है, इनर वाली जो लेयर होती है वो ग्रे मैटर की। इनर वाली लेयर ग्रे मैटर की क्यों होती है? क्योंकि इसमें बहुत सारी क्या होती हैं? नर्व्स होती हैं जो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स को ब्रेन तक ले जाती हैं। ग्रे मैटर अपीयर्स लाइक ए लॉन्ग रॉड थ्रू आउट द स्पाइनल कोड। ग्रे जो मैटर होता है एक लंबी रॉड की तरह दिखाई देता है पूरी की पूरी स्पाइनल कोड में। अब आप बात करते हैं स्पाइनल कोड के फंक्शंस की, कि स्पाइनल कोड के फंक्शंस क्या होते हैं, स्पाइनल कोड काम क्या क्या करती है। तो पहली बात ध्यान रखना, एक तो स्पाइनल कोड क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल एंड रेगुलेट करती है, कंडक्ट करती है और रेगुलेट। ध्यान देना, बॉडी में जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हो रहे हैं, जैसे मतलब हार्ट बीट का, हार्ट हार्ट का मतलब धड़कना, दिल का धड़कना, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स में से सीक्रेशंस का निकलना, ठीक है, ये कैसे एक्शन है? इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर, तो ये जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं इनको कंट्रोल कौन कर रहा है, इनको रेगुलेट कौन कर रहा है, इनको कंडक्ट कौन कर रहा है? स्पाइनल कोड। इनको मतलब सिग्नल कौन दे रहा है? स्पाइनल कोड इनको कंट्रोल करता है। इट प्रोवाइड पासेस फॉर द इम्पल्स कमिंग फ्रॉम एंड गोइंग टू ब्रेन। ध्यान देना, इसका मतलब क्या है? आपको पता, बॉडी में कहीं भी स्टिमुलस जनरेट हो, कहीं भी कोई भी मतलब एक्टिविटी हो रही है, वहाँ से जो सिग्नल आएगा वो स्पाइनल कोड पे जाएगा, और स्पाइनल कोड से कहाँ पे जाएगा? ब्रेन।
अब ब्रेन को बॉडी के किसी पार्ट्स को कंट्रोल करना है तो ब्रेन से सिग्नल स्पाइनल कोड और स्पाइनल कोड से बॉडी के किसी भी पार्ट तक सिग्नल जाता है। तो मतलब स्पाइनल कोड से होते हुए ही सिग्नल आता है और स्पाइनल कोड से होते हुए ही सिग्नल जाता है बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को। तो बस स्पाइनल कोड के बारे में आपको इतना ही लर्न करना है जो अपनी बुक में दे रखा है। बाकी की चीज़ें हम अगले वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 3 नर्वस सिस्टम का। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस चैप्टर नंबर 2, लास्ट सिस्टम बचा हुआ है नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बताया था। आपको पता है नर्वस सिस्टम को हम दो भागों में बांट सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको मैंने आपको ह्यूमन ब्रेन और स्पाइनल कोड के बारे में बताया था और आज हम देखेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ह्यूमन ब्रेन और किसके अलावा, स्पाइनल कोड के अलावा बॉडी में जितनी भी नर्व्स हैं, जितना भी सिस्टम फैला हुआ है, दैट इज कम्स अंडर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो शुरुआत करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखो वैसे भी क्या होता है पेरिफेरी, एक वर्ड सुना होगा पेरिफेरी, पेरिफेरी मतलब किसी चीज़ के चारों तरफ। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के चारों तरफ जो भी चीज़ है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। या बॉडी में हमारी में ब्रेन और स्पाइनल कोड के चारों तरफ जो भी सिस्टम फैला हुआ है दैट इज कम्स अंडर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, द नर्व्स विच कम्स आउट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड मेक द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पहली बात तो ध्यान रखना, ब्रेन और स्पाइनल कोड से जो नर्व्स निकल के आ रही हैं और बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन तक जा रही हैं वही क्या कहलाती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि सेंटर में क्या आ गया, सेंटर में आ गया आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड। इसके अलावा इसके जितनी भी नर्व्स इससे निकल के आ रही हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट तक, यही नर्व्स क्या बना रही हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हो गया देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कोड सेंटर में आ गया इसलिए इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसके चारों तरफ बाहर की ओर क्या आ गया, ये नर्व्स आ रही है निकल निकल के और ये कहाँ जा रही है, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक। और ये नर्व्स क्या होती हैं, जिसमें सिग्नल आता है और सिग्नल जाता है। ठीक है, दीज नर्व्स हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम ब्रेन। मतलब ये जो नर्व्स होती हैं, एक तो सिग्नल ब्रेन तक लेके आती हैं, टू मतलब लेकर आती हैं, और फ्रॉम मतलब और ब्रेन से फिर उसको बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाती हैं। तो ध्यान रखना, ऑर्गन से कि बॉडी के किसी ऑर्गन से स्टिमुलस, कोई स्टिमुलस जनरेट हुआ है, कोई सिग्नल जनरेट हुआ है, तो उस इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक लाती हैं और ब्रेन से जो कोई आउटपुट आ रहा है उसको कंट्रोल करना है, किसी चीज़ को बॉडी के किसी पार्ट को कंट्रोल करना है, तो वो सिग्नल किसके थ्रू, नर्व्स के थ्रू बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचता है। तो बॉडी से जो सिग्नल लेके आती हैं ब्रेन तक वो होती हैं हमारी सेंसरी नर्व्स, और ब्रेन से जो सिग्नल लेके आती हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक कंट्रोल करने के लिए उनको हम बोलते हैं मोटर नर्व्स। ठीक है, दिस सिस्टम वर्क्स आउटसाइड द नर्वस सिस्टम। देख रहे हो, ये सिस्टम हमारे नर्वस सिस्टम के बाहर की तरफ काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो प्रकार का होता है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ध्यान देना, सोमेटिक और ऑटोमेटिक, अब दोनों में अंतर क्लियर हो जाएगा। ऑटोमेटिक तो आपको पता ही होगा बट ऑटोमेटिक का मतलब अपने आप जब चीज़ें चलती हैं, तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, और सोमेटिक का मतलब और ऑटोमेटिक का मतलब समझो। ऑटोमेटिक में तो बॉडी का ऐसा नर्वस सिस्टम जो बॉडी के ऐसे चीज़ों को कंट्रोल करता है जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हमारी विश के अकॉर्डिंग नहीं होते, उनको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री फंक्शंस, और जो हमारी विश के अकॉर्डिंग होते हैं उनको हम बोलते हैं वॉलेंट्री फंक्शंस। तो वॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करने वाला सिस्टम सोमेटिक नर्वस सिस्टम, इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करने वाला सिस्टम ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। लेट अस डिस्कस ईच एंड एवरी टॉपिक वन बाई वन। अब हम देखेंगे सोमेटिक और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, देखो, द सोमेटिक नर्वस सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अवर वॉलेंट्री एक्शंस। कैसे एक्शंस के लिए जिम्मेदार है, वॉलेंट्री एक्शंस के लिए जिम्मेदार है। वॉलेंट्री एक्शंस ऐसे एक्शंस होते हैं जो हमारी विश के अकॉर्डिंग परफॉर्म किए जाते हैं, जो हमारी इच्छा के अनुसार, आपको हाथ ऊपर करना है, नीचे करना। आप सपोज डांस करते हो, तो डांस करते समय आप कितनी सारी एक्टिविटीज करते हो, तो हमारे हिसाब से तो करते हैं, हमारी विश के अकॉर्डिंग करते हैं, हम दौड़ लगाते हैं, डांस करते हैं, खेलते हैं। तो जितने भी हमारे बाहर आपको जो बाहर जो मूवमेंट देखने को मिल रहा है, हाथों में, पैरों में, गर्दन में, इवन मैं जो बोल पा रहा हूँ वो भी कैसा फंक्शन है, वॉलेंट्री फंक्शन है। अगर मैं चाहूँ तो इसको बंद भी कर सकता हूँ। तो हमारी विश के अकॉर्डिंग जो काम हो रहा है जिसको हम क्या बोलेंगे, वॉलेंट्री एक्शन, और हमारी विश के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, इनवॉलेंट्री एक्शन। ठीक है,
तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम किसके लिए जिम्मेदार है? उसी के लिए जिम्मेदार है जो हमारी विश के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, मतलब वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। दिस सिस्टम हेल्प्स इन ब्रेन इन सेंसिंग एक्सटर्नल स्टिमुली एंड इन टेकिंग सूटेबल रेस्पॉन्स फॉर टाइमली एंड प्रॉपर एक्शन ऑफ वॉलेंट्री मसल्स। पहली बात तो ध्यान रखना, ये सिस्टम ब्रेन को हेल्प करता है, पहली बात तो किसके लिए? एक्सटर्नल स्टिमुली को सेंस करने के लिए, बाहर से। जैसे मान लो किसी ने आपको पुकारा, आपके कान में आवाज़ जाएगी तो आपने सुना, और सुनते ही वो इन्फॉर्मेशन कान से आपके ब्रेन में जाएगी, मतलब नर्व्स के थ्रू, और ब्रेन से फिर सिग्नल आएगा तो आप मुड़ के देखोगे, होता है कि नहीं होता है? तो जो बाहर जैसे ही आपने सेंस किया तो कुछ सिग्नल जनरेट हुआ, वही उस क्या कहलाती है? स्टिमुली कहलाती है। फिर आपको रेस्पॉन्स लेना है, मतलब टाइम पर रेस्पॉन्स लेना, वगैरह पीछे मुड़ के देखो तो आप पीछे मुड़ के देखोगे, तो रेस्पॉन्स कहाँ से आया? ब्रेन से आया। तो टाइम पर रेस्पॉन्स लेने के लिए और स्टिमुली को सेंस करने के लिए जो जिम्मेदार सिस्टम है वो है हमारा सोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब हम बात करते हैं ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम की, ठीक है? तो दिस सिस्टम कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ दोज ऑर्गन्स विच आर नॉट अंडर आवर वॉलेंट्री कंट्रोल, रादर वर्क्स ऑटोमेटिकली लाइक हार्ट, लंग्स, एलिमेंट्री कैनाल। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो हमारी विश के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, वो अपने आप ऑटोमेटिकली काम करते रहते हैं, हमारा उनमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। उनको कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम जिम्मेदार है वो है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। अगर सोचो, अगर ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम नहीं होता तो हम नींद भी नहीं ले पाते, हम सो भी नहीं पाते, क्योंकि अगर सो जाते तो फिर इनको कौन चलाता? ह्यूमन हार्ट को कौन रन करता? ह्यूमन लंग्स को कौन कंट्रोल करता? फूड के डाइजेशन को कौन कंट्रोल करता? क्या आप जगे रहते कि भाई चलो डाइजेशन कर लो, हैं तो मतलब हमारी आफत आ जाती। तो भगवान ने क्या प्यारी चीज़ बनाई है, मतलब कुछ चीज़ ऐसी कर दी है कि उनसे आपको फ्री कर दिया कि चलो ये काम तो हम किसको दे देते हैं? ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम को दे देते हैं, तुम आराम से सो जाओ। सोचो अगर ये भी नहीं होता तो हमारी कितनी आफत आ जाती। तो बॉडी में हमारा एक सिस्टम ऐसा है जो बहुत सारी चीज़ों को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है, आपको फ्री करके रखता है, आपका टेंशन कम करके रखता है, उसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम को भी दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किसका पार्ट है? ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का। अब हम देखेंगे सिंपैथेटिक का मतलब क्या है और पैरासिंपैथेटिक का मतलब क्या है ना, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक अभी समझते हैं। पहले सिंपैथेटिक समझेंगे, दिस सिस्टम कंट्रोल अलर्टनेस एंड एक्साइटमेंट इन ए पर्सन। किसी भी पर्सन में अलर्टनेस और एक्साइटमेंट को कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम है वो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दिस सिस्टम हेल्प्स इन गेटिंग एक्स्ट्रा एनर्जी अंडर इमरजेंसी कंडीशंस। अगर इमरजेंसी कंडीशन में आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए कौन सा सिस्टम रेस्पॉन्सिबल है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज आप मतलब जा रहे हो कहीं से निकल के, पीछे से कुत्ते पड़ गए आपके पीछे, तो कुत्ते पड़ गए तो आपको दौड़ लगानी पड़ेगी, दौड़ लगानी पड़ेगी तो बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए क्योंकि ज़्यादा तेज दौड़ना पड़ेगा। तो एक तो सिस्टम आपको अलर्ट करेगा, भाई आपके पीछे कुत्ते पड़ गए, एक्साइटमेंट आपको दौड़ाएगा, बेटा भाग, जल्दी भाग भाग, और भागने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो कौन प्रोवाइड करा रहा है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इमरजेंसी कंडीशंस में आपके आप जो सिस्टम आपको डील करता है वो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इमरजेंसी कंडीशंस में, ठीक है? कोई मतलब भगदड़ मच जाए, कोई पैनिक मतलब वाली सिचुएशन हो जाए, उस सिचुएशन में कौन सा सिस्टम आपकी हेल्प करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और इमरजेंसी सिचुएशंस में ये आपको प्रोवाइड कराता है एक्स्ट्रा एनर्जी। क्या प्रोवाइड कराता है? एक्स्ट्रा एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज हार्ट रेट। अब सीधी बात है, जब आप दौड़ लगाओगे तो आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगी तो ब्लड की पंपिंग बढ़ जाएगी, ब्लड जल्दी जल्दी पंप होगा, ब्लड जल्दी जल्दी पंप होगा तो बॉडी की प्रत्येक सेल तक न्यूट्रिएंट्स जल्दी जल्दी पहुँचेंगे, बॉडी की प्रत्येक सेल तक ऑक्सीजन जल्दी जल्दी पहुँचेगी, और जब न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन जल्दी जल्दी पहुँचेंगे तो फूड का ऑक्सीजन जल्दी जल्दी होगा, ऑक्सीडेशन सॉरी, और फूड का जब ऑक्सीडेशन जल्दी जल्दी होगा तो हमें एनर्जी भी जल्दी जल्दी मिलेगी। रेस्पिरेशन की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। और जब भी रेस्पिरेशन होता है तो बॉडी को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। रेस्पिरेशन के दौरान जो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन है वो जब ये इनकी रिएक्शन होती है तो उसके दौरान हमें एनर्जी मिलती है और CO2 जनरेट होती है, समझ रहे हो? तो हार्ट रेट बढ़ने से हमें क्या मिल जाती है? एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है। इंक्रीज रेट ऑफ ब्रीदिंग, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, सांस लेने से क्या होगा? CO2 एक्सचेंज जल्दी जल्दी होगा। अंडर इमरजेंसी कंडीशंस आर कंट्रोल्ड बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ध्यान देना, जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, जब भी कोई आफत आती है तो हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, इन सब चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है?
पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये है बिल्कुल कूल। अब जब आपको एनर्जी बचानी है, जब आपको पता है हमारी बॉडी को कुछ खास काम नहीं करना है, एनर्जी को सेव करना है, तो एनर्जी को सेव करने के लिए जो सिस्टम है वो है पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम, अपना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखा, हमारी बॉडी में भी एनर्जी का कंजर्वेशन होता है, उसके लिए भी हमने अब भगवान ने पर्टिकुलर क्या बना रखा है, सिस्टम बना रखा है। जैसे आप रात में सो रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, तो आपको कुछ खास काम करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ छोटे मोटे काम करने हैं बॉडी को, बस सांस लेना है और हार्ट को रन करना है, बस इतना चाहिए। तो उसमें बहुत कम एनर्जी, जैसे रात में भी हम सो जाते हैं ना, तो बाकी लाइट वाइट सारी चीज़ें बंद कर देते हैं, बस फैन चालू रहता है, कई सर्दियों में तो फैन भी चालू नहीं रहता। तो ऐसे हमारी बॉडी भी जब सो जाती है तो वही काम करती है जो ज़रूरी है, बाकी काम सब क्या हो जाते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं और एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। तो उस समय में एनर्जी को सेव करने के लिए जो सिस्टम रेस्पॉन्सिबल है वो है हमारा पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम। दिस सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को कंजर्व करने के लिए, एनर्जी को सेव करने के लिए, एनर्जी को मतलब बचाने के लिए जो सिस्टम रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, वह है हमारा पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम। दिस सिस्टम बिकम्स एक्टिव व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट एंड स्टार्ट्स कंजर्वेशन एनर्जी। और ये सिस्टम कब चालू हो जाता है, कब एक्टिव हो जाता है, जब भी हमारी बॉडी रेस्ट की कंडीशन में होती है, तो रेस्ट में आते ही सिग्नल आता है, या मतलब पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है और एनर्जी कंजर्वेशन शुरू हो जाता है। दिस सिस्टम स्लो डाउन हार्ट रेट। अब सिंपल सी बात है, जब आप सो रहे हो तो ज़्यादा हार्ट रेट की ज़रूरत नहीं है, हार्ट रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। श्रिंक ऑफ पुपिल ऑफ आई, आई की जो पुपिल है वो क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, मतलब सिकुड़ जाती हैं। इनहेंस सीक्रेशन ऑफ सेलाइवा, सेलाइवा का सीक्रेशन बढ़ जाता है। एंड डाइजेस्टिव जूस, ये क्यों बढ़ जाता है, ताकि आपने जो खाया पिया है वो जल्दी जल्दी क्या हो जाए, पच जाए, ये चीज़ ध्यान रखना। इनहेंस मतलब बढ़ जाना, किसका, सीक्रेशन ऑफ सेलाइवा एंड डाइजेस्टिव जूस। ओके, तो यहाँ पे आप एक बुक में नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे एक स्लाइड दे दी है। पैरासिम्पेथेटिक मतलब जो बॉडी रेस्ट में है, तो सिस्टम कौन सा एक्टिवेट हो जाएगा, पैरासिम्पेथेटिक। इमरजेंसी सिचुएशंस में सिस्टम सिंपेथेटिक। अब जैसे आई की कंडीशन देखें, पैरासिम्पेथेटिक केस में तो आई की जो पुपल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, और जब सिचुएशन इमरजेंसी होती है तो आई की जो पुपल्स हैं वो डायलेट डायलेट मतलब फैल जाती हैं। ठीक है, हर्ट रेट हर्ट की बात करें तो पैरासिम्पेथेटिक के केस में बीट मोर स्लोली, बहुत धीरे धीरे बीट करता है। सिंपेथेटिक के केस में हर्ट जल्दी जल्दी बीट करता है। लंग्स की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट एयरवेज मतलब कॉन्ट्रिक्स हो जाते हैं, और यहाँ पे जो एयरवेज होता है वो क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। कब, सिंपेथेटिक केस में। ठीक है, ताकि ज़्यादा ब्रीथ कर सकें, मोर डीपली ब्रीथ कर सकें। और डाइजेशन की बात करें तो पैरासिम्पेथेटिक के केस में डाइजेशन बढ़ जाता है, जल्दी जल्दी होता है, और सिंपेथेटिक के केस में डाइजेशन रुक जाता है, क्योंकि बॉडी को एनर्जी चाहिए तो वो यहाँ पर एनर्जी ना देखें, बाकी जगह पे एनर्जी यूज होती है। मसल्स, बॉडी की जो मसल्स होती हैं पैरासिम्पेथेटिक के केस में, रिड्यूस ब्लड फ्लो टू स्केलेटल मसल्स एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो टू स्केलेटल मसल्स, मतलब यहाँ पे जो मसल्स होती हैं स्केलेटल मसल्स, यहाँ पे तो ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, यहाँ पर ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है स्केलेटल मसल्स में। किस केस में, सिंपेथेटिक केस में। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम एक ही बार में ह्यूमन नर्वस सिस्टम को देखें, तो इसमें दो टाइप बताए थे मैंने, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ होती हैं, ह्यूमन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के भी तीन भाग होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। सबसे बड़ा पार्ट फोर ब्रेन, सबसे छोटा पार्ट मिड ब्रेन, और सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में तीन चीज़ आती है, सेरेबेलम, पोन्स, मेडला ऑब्लिगेटा। फोर ब्रेन में आपकी क्या आती है, सेरेब्रम, और आपकी दो ग्लैंड्स बताई थी मैंने, कौन सी कौन सी। ठीक है, दो ग्लैंड कौन सी थी, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो उसके दो पार्ट हैं, ऑटोमेटिक एंड सोमेटिक। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है जो आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। सोमेटिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है जो आपके वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। ऑटोमेटिक के भी दो प्रकार हैं, सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम इमरजेंसी सिचुएशन में एक्टिवेट होता है, पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम अब आपका जब आपकी बॉडी रेस्ट में होती है तब एक्टिवेट होता है। सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम या सिंपेथेटिक जो नर्वस सिस्टम है, ये बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कराता है इमरजेंसी सिचुएशन में। ये वाला जो नर्वस सिस्टम है पैरासिम्पेथेटिक, ये बॉडी में कंजर्वेशन का काम करेगा, एनर्जी कंजर्वेशन का, एनर्जी को क्या करेगा, सेव करेगा, जब बॉडी हमारी रेस्ट में होती है। तो यहाँ पर हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम पूरी तरह से फिनिश हुआ। अभी इसमें एक दो लेक्चर और आएंगे कि फिजियोग्राफी की बात करेंगे, कैसे ये मतलब सारी चीज़ें होती हैं, कहाँ से कहाँ तक सिग्नल ट्रांसफ़र होता है, वो सारी चीज़ें और समझेंगे। तो तब तक के लिए
थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्की एजुकेशन और आज हम देखेंगे नर्वस सिस्टम का पार्ट फोर। ठीक है, पार्ट फोर के बारे में डिस्कस करेंगे। अब तक हमने नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखा था, फिर हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में देखा, फिर हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में देखा और आज नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन के बारे में देखेंगे। ध्यान रखना, नर्वस सिस्टम की जो नींव है, नर्वस सिस्टम का जो मेन कंपोनेंट है जिस पर पूरा की पूरा नर्वस सिस्टम है, जिसके थ्रू इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, वो है हमारा न्यूरॉन। ठीक है, तो न्यूरॉन के बारे में देखेंगे। अब जैसे हमारी बॉडी में, मैंने कई बार बताया कि जो बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल। बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है सेल, हालांकि न्यूरॉन भी एक प्रकार की सेल है। ठीक है, तो ये जो सेल है ये बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, मतलब पूरी बॉडी का ढांचा किससे बना हुआ है, सेल से। पूरी बॉडी में जो फंक्शन होते हैं वो किस किस के अंडर में होते हैं, सेल। ऐसे ही नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, नर्वस सिस्टम बना किसका हुआ है, न्यूरॉन्स का बना हुआ है। फंक्शनिंग यूनिट भी कौन सी है, न्यूरॉन्स की है। तो न्यूरॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और न्यूरॉन के बारे में समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूरॉन के बारे में। तो न्यूरॉन का कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है, एक तरफ का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, फिर कुछ ऐसे, फिर कुछ ऐसे। अभी इनके बारे में दिखाऊंगा कहाँ कहाँ पर हैं, तो इनको बस देखते जाओ कैसा कैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो देखो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये वाली जो चीज़ है इसको बोलते हैं एक्सन। क्या बोलते हैं, एक्सन। और यहाँ पर जो चीज़ है इसको बोलते हैं टर्मिनल, एक्सन टर्मिनल। टर्मिनल मतलब अंत। ठीक है, और ये जो स्टार लाइक स्ट्रक्चर सा निकला हुआ है ये इसको बोलते हैं डेंड्राइट, और बीच का जो पार्ट है यहाँ पे इसको बोलते हैं सेल बॉडी। क्या बोलते हैं, सेल बॉडी। ठीक है, यहाँ पर एक स्टैंडर्ड डायग्राम देखते हैं जो कि क्लास ट्वेल्थ का बायोलॉजी का डायग्राम है। ठीक है, ये बना लोगे तो मज़ा आ जाएगा। तो ध्यान देना, ये पूरा क्या है, सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर है आपका न्यूक्लियस। ध्यान देना, पूरा सेल बॉडी है, सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस। जैसे आपने भी देखा होगा सेल में, सेल के भीतर क्या होती है, न्यूक्लियस होता है और फिर साइटोप्लाज्म होता है, जो लिक्विड होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, तो ये सेल बॉडी होगी, ये पूरी की पूरी, और ये न्यूक्लियस होगा। और बाहर जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं जो बाहर की तरफ निकल के आ रहे हैं, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। और यहाँ पे जो कड़ कड़ से दिखा रखे हैं, दाने दाने से दिखा रखे हैं, इनको हम बोलते हैं निसल्स ग्रेन्यूल्स। क्या बोलते हैं, निसल्स ग्रेन्यूल्स। फिर ये हो गया एक्सन। ठीक है, और यहाँ पर ये है स्वान सेल। ठीक है, क्या है, स्वान सेल। और यहाँ पर जो कवरिंग सी ये दिखा रखी है, इसको हम बोलते हैं माइलिन सीथ। क्या बोलते हैं, माइलिन सीथ। और यहाँ पर ये ऐसे करके स्ट्रक्चर है, इसके बीच में यहाँ पे जो गैप है, ये वाली जो जगह है, इसको बोलते हैं नोड ऑफ रणवीर। क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रणवीर। और ये हो गया आपका एक्सन टर्मिनल। और यहाँ पर ये जो गांठ गांठ सी दिखा रखी है, ये है साइनेप्टिक नोब। क्या है, साइनेप्टिक नोब। अब ध्यान रखना, ये वर्ड बार बार आएंगे तो उनका आपको नाम याद रखना है। तो पहली बात, न्यूरोन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, विच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम, देन आपको आंसर देना है न्यूरोन। द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स, ट्रांसमिशन का मतलब सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का जो काम होता है बॉडी में अलग अलग पार्ट्स तक, वो किसके थ्रू होता है, न्यूरोन्स। ठीक है, आपको पता है ब्रेन से सिग्नल बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाता है और डिफरेंट पार्ट से ब्रेन तक सिग्नल जा रहा है, तो उसको लाने ले जाने का काम कौन कर रहा है, तो उसमें हमारी बॉडी में पूरी में न्यूरॉन्स का जाल बिछा हुआ है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, कोई वायर चाहिए, कोई कंडक्टर चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे समझ लो न्यूरॉन है जो एक प्रकार से वायर की तरह काम कर रहे हैं, जिसके थ्रू सिग्नल का क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, सिग्नल ट्रांसफर हो रहे हैं ब्रेन से बॉडी में, बॉडी से ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स में, या ब्रेन से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। न्यूरॉन कनेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखो कितनी बड़ी बात कह रखी है, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड आते हैं, उसको बॉडी के सभी टिश्यू से कनेक्ट कर देता है। लगभग सभी टिश्यू से कनेक्टेड होते हैं, कौन, न्यूरॉन्स कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि भाई इन्फॉर्मेशन भी कौन लेके जा रहा है, न्यूरॉन लेके जा रहे हैं। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी तो बॉडी का पार्ट पर्टिकुलरली काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। न्यूरॉन्स रिसीव बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुली। न्यूरॉन जो होते हैं दोनों प्रकार के सिग्नल रिसीव करते हैं, एक तो बॉडी के अंदर से, जैसे मान लो आपको प्यास लगी, तो भाई
ये जो स्टिमुले कहाँ से क्रिएट हुआ, अंदर से क्रिएट हुआ, इंटरनल स्टिमुले। आपको जैसे मान लो प्यास लगी, टॉयलेट लग रही है, कुछ खाना खाने की इच्छा हो रही है, तो अंदर से भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको सेंस मतलब इंटरनली मतलब फील होता है, तो वो इंटरनल स्टिमुले होगी। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब किसी ने बाहर से आवाज़ लगाई, आप आँखों से देख रहे हो तो उससे मतलब वो सेंस कर रहे हो, कोई आपको टच कर रहा है तो वो अलग है। तो बाहर से भी स्टिमुले आता है और अंदर से भी स्टिमुले आता है, इसको कौन से रिसीव करता है, न्यूरॉन रिसीव करता है। ए स्टिमुलस ट्रेवल्स थ्रू वन न्यूरॉन टू एनदर एंड फाइनली रीचेस टू नर्वस सिस्टम। अब मान लो बॉडी में कहीं से भी कोई स्टिमुली जनरेट हुई, कोई सिग्नल जनरेट हुआ, तो वो इस सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे से तीसरे, और ऐसे कर करके कहाँ पहुँच जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँच जाता है। द रिएक्शनरी सिग्नल्स आर ऑल्सो ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू टारगेट ऑर्गन और टिश्यू थ्रू न्यूरॉन्स। रिएक्शनरी सिग्नल का मतलब है किसी ने आवाज़ लगाई कि मोहन पीछे मुड़ो, मोहन पीछे मुड़ो, तो मोहन की गर्दन जो पीछे मुड़ी है, तो गर्दन को रोटेट करने के लिए जो सिग्नल आया है वो कौन सा सिग्नल है, रिएक्शनरी सिग्नल है, कि मोहन रिएक्शन दे रहा है अपनी, ठीक है, ऐसे समझ लो। तो रिएक्शनरी सिग्नल से भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से टारगेटेड ऑर्गन और टिश्यू तक कहाँ तक किसके थ्रू जाते हैं, न्यूरॉन्स के थ्रू जाते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो प्रत्येक न्यूरॉन तीन चीज़ों से मेनली मिलकर बना होता है। पहला है साइटोन या सेल बॉडी बोलते हैं, दूसरा है डेंड्राइट्स, ये फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स, और ये वाला पार्ट है एक्सॉन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एक्सॉन। पहली बात करते हैं हम सेल बॉडी की, तो पहली बात तो ये स्टार शेप होती है। कैसी शेप होती है, स्टार शेप में देख रहे हो, ये बन रहा है ना स्टार सा, ये स्टार शेप में, कैसी शेप में, स्टार शेप में होती है स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन साइटोन। आपको पता है जब ये सेल बॉडी है तो इसके अंदर न्यूक्लियस होगा और सेल ऑर्गेनल्स होगा। सेल ऑर्गेनल्स का मतलब है सेल के अंदर जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स, जैसे राइबोसोम, लाइसोसोम्स, ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे करके माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो चीज़ होती है इनको हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। तो न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनल्स कहाँ पर पाए जाते हैं, साइटोन में ही पाए जाते हैं। द साइटोप्लाज्म, ध्यान रखना, द साइटोप्लाज्म कंटेन हाईली पिगमेंटेड निसल ग्रेन्यूल्स। साइटोप्लाज्म में क्या पाए जाते हैं, निसल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म मतलब जो ये लिक्विड भरा हुआ है, इसमें सेगमेंटेड निसल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो सेल बॉडी इज ऑल्सो नोन एज सोमा या साइटोन। सेल बॉडी को और नाम से जाने जाते हैं, ये जो सेल बॉडी होती है इसको सोमा या साइटोन के नाम से जानते हैं। ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म इज ड्यू टू क्लस्टर ऑफ राइबोसोम्स और निसल ग्रेन्यूल्स। ये जो निसल ग्रेन्यूल्स हैं ये क्लस्टर, एक मतलब गुच्छा सा बना हुआ है, किसका, राइबोसोम्स का, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जिसको सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है, वो भी इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं हम डेंड्राइट्स की, तो जो ऐसे करके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसे निकल रहे थे, उसको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। तो दीज आर स्मॉल फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स कमिंग आउट ऑफ द साइटोन। तो साइटोन से बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर निकल के आ रहे थे स्टार शेप में, या फाइबर लाइक जो स्ट्रक्चर था उसी को हम क्या बोल रहे हैं, साइटोन बोल रहे हैं। साइटोन से बाहर निकल गया, मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे आप देख लो एक बार, ये हो गया अपना साइटोन। साइटोन से बाहर ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं या फाइबर लाइक जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। और डेंड्राइट रिसीव सिग्नल्स एंड सेंड देम टू साइटोन। बॉडी मतलब अलग अलग जगह से सिग्नल कहाँ मिलते हैं, पहले डेंड्राइट को और डेंड्राइट के बाद साइटोन को। तो सिग्नल कैसे आता है, देखो सिग्नल सबसे पहले कहाँ पे आएगा, डेंड्राइट को। डेंड्राइट किसको भेजेगा, इसको सेल बॉडी को, फिर ये एक्सॉन के थ्रू ट्रांसफर होगा, फिर ये नोब पर चला जाएगा, साइनेप्टिक नोब, फिर ये साइनेप्टिक नोब। ध्यान देना, अब ये कनेक्टेड कैसे होते हैं, एक न्यूरॉन का जो ये साइनेप्टिक नोब या एक्सन है, ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से कनेक्टेड होता है, ऐसे करके ये कनेक्टेड होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक्सॉन की बात करें, दिस इज टेल लाइक स्ट्रक्चर, पूंछ की तरह एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो साइटोन से निकल के आ रहा है, बिल्कुल पूंछ की तरह, ये साइटोन है, ये पूंछ की तरह निकल के आ रहा है, एक टेल लाइक स्ट्रक्चर है, कहाँ से निकल के आ रहा है, साइटोन से निकल के आ रहा है। दिस एक्सॉन इज कवर्ड विद दिस इंसुलेटिंग लेयर कॉल्ड माइलिन शीथ। इस पर एक इंसुलेटिंग लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ बोलते हैं, ऐसी करके लेयर बनी हुई है जिसको हम माइलिन शीथ बोलते हैं, ठीक है। और एंड ऑफ एक्सन हैज फाइन ब्रांचेज, एक्सन का जो एंड होता है उसमें ऐसी फाइन हल्की हल्की ब्रांचेज होती हैं, ईच ब्रांच एंड इन ए नोब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनेप्टिक नोब। यहाँ पे आप देखो प्रत्येक जो एक्सन है उसमें ऐसी छोटी छोटी ब्रांच मिलेगी और ये ब्रांच के एंड में
एक नोड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, एक नोब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इसी को हम बोलते हैं साइनेप्टिक नोब। ठीक है, क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक नोब बोलते हैं। साइनेप्टिक वेसिकल्स आर प्रेजेंट इन साइनेप्टिक नोब। ध्यान देना, ये जो साइनेप्टिक नोब पाई जाती है, जो गांठ सी पाई जाती हैं, इसमें ऐसे करके छोटे छोटे वेसिकल्स मिलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक वेसिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक वेसिकल्स बोलते हैं। इन साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं, और न्यूरो ट्रांसमीटर जो होते हैं न्यूरोन के स्टिमुली में हेल्प करते हैं। ध्यान देना, ये जो साइनेप्टिक नोब होते हैं, साइनेप्टिक नोब में साइनेप्टिक वेसिकल्स पाए जाते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स में कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं। ध्यान देना, ये हो गया आपका साइनेप्टिक वेसिकल्स, साइनेप्टिक ये वेसिकल्स हो गया। साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर ये जो डॉट 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 दिखा रखा है, ये है न्यूरो ट्रांसमीटर्स, और ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं सिग्नल को स्टिमुली करने में, या सिग्नल को स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं। अब आपको पता है यहाँ से कहाँ से ये डेंड्राइट हो गया, और फिर ये सेल बॉडी हो गई, फिर सिग्नल आ रहा है, यहाँ तक आते आते सिग्नल वीक पड़ जाता है। तो सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए साइनेप्टिक नोब पर क्या पाए जाते हैं? साइनेप्टिक वेसिकल्स पाए जाते हैं, और जिनके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर पाए जाते हैं, और ये न्यूरो ट्रांसमीटर क्या करते हैं? सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, सिग्नल को मजबूत कर देते हैं। देखो, एक्शन सेंड सिग्नल्स टू अनदर न्यूरोन, ये जो एक्शन है दूसरे न्यूरोन को सिग्नल भेजता है, और टारगेटेड ऑर्गन या टिश्यू को सिग्नल भेजता है। अब ये जो एक्शन है किसी दूसरे न्यूरोन से कनेक्ट रहेगा, किससे कनेक्ट रहेगा? किसी दूसरे न्यूरोन से। ये रिसीविंग न्यूरोन हो गया, ये सेंडिंग न्यूरोन हो गया, ये एक्सॉन है तो ये डेंड्राइट है, ऐसे समझ लो। ठीक है, द गैप बिटवीन एक्सॉन ऑफ वन न्यूरोन एंड डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरोन इज कॉल्ड साइनेप्स। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। पहले न्यूरोन के एक्शन और दूसरे न्यूरोन का डेंड्राइट है, उसके बीच में जो गैप होता है इसको हम बोलते हैं साइनेप्स। ध्यान देना, ये जो गैप दिखा रखा है, छोटा सा जो गैप दिखा रखा है, इसको हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स। मतलब एक न्यूरोन और दूसरा न्यूरोन, पहला न्यूरोन का एक्शन, दूसरा न्यूरोन का डेंड्राइट, इसके बीच में जो गैप दिखा रखा है, इसी गैप को हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनेप्स। न्यूरो ट्रांसमीटर्स आर फाउंड इन साइनेप्स, और इसी साइनेप्स में क्या पाए जाते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं, और ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या करते हैं? सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं? सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं, ताकि सिग्नल फास्ट ट्रेवल करे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा न्यूरोन के बारे में स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हुई। एक लेक्चर और आएगा, इसके बाद हमारा ये चैप्टर और नर्वस सिस्टम भी क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन, और आज हम देखेंगे फिजियोग्राफी ऑफ नर्वस सिस्टम चैप्टर नंबर 2, और ह्यूमन सिस्टम में हमारा एक लास्ट सिस्टम बचा हुआ नर्वस सिस्टम, और इसका लास्ट टॉपिक है अपना क्या? फिजियोग्राफी ऑफ नर्वस सिस्टम। इसके बाद हमारा चैप्टर सेकंड कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर 1 मैं करा चुका हूँ, और कल से हम स्टार्ट करा देंगे चैप्टर 3। ठीक है, तो बायोलॉजी हमारी पूरी तरह से फिनिश हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी वाला मैंने चैप्टर करा ही दिया है, लाइट वाला चैप्टर चल रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी, तो निश्चिंत रहो, सारी चीज़ हम कराएंगे, 100% आपका सिलेबस होगा। सो लेट्स मूव ऑन, फिजियोग्राफी ऑफ नर्वस सिस्टम। फिजियोग्राफी, ठीक है, कि नर्वस सिस्टम की फिजियोग्राफी क्या है, क्या क्या चीज़ें उसमें, कैसे कैसे मतलब काम करता है, जो नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग कैसी है, ठीक है, क्या क्या इसका स्ट्रक्चर है। तो हमने अब तक देखा नर्वस सिस्टम के बारे में, क्या देखा कि नर्वस सिस्टम हमारा दो प्रकार का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है, ठीक है, और फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने देखे दो प्रकार के, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑटोमेटिक के भी फिर हमने दो टाइप्स देखे, कौन कौन से दो टाइप देखे? सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक। तो ये सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, इवन न्यूरॉन्स के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो मैनी न्यूरॉन्स मेक ए चेन लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मैंने बताया था कि हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? न्यूरॉन्स हैं। तो न्यूरॉन्स जो हैं ये क्या करते हैं? चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और पूरी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को किससे कनेक्ट करते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स
रेस्पॉन्ड टू डिफरेंट स्टिमुली लाइक साउंड, लाइट, हीट, ईटीसी एंड सेंड देम टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स का काम क्या है? सेंस करना, ठीक है। आपने कुछ देखा, आपने कुछ सुना, आपने कुछ महसूस किया, आपने कुछ टेस्ट किया, ठीक है, आपने कुछ भी हो, जो मैंने 5 सेंसेस बताए थे, यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं? सेंस करते हैं। किसको सेंस करते हैं? स्टिमुली को। और फिर इस सिग्नल को कहाँ पर भेजते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास भेजते हैं। कौन भेजते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स। दिस फंक्शन हैपन थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स। अब ध्यान देना, किसी ऑर्गन से सेंस किया, जैसे मान लो आपके कान ने कुछ सुना, तो वहाँ से जो सिग्नल जाएगी ब्रेन तक, वो कैसे जाएगी? इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स के रूप में जाएगी, ठीक है। ये जो सिग्नल है इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स के रूप में जाएगा। स्टिमुली फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स लाइक स्किन, टंग, नोज, आई, ईयर्स आर सेंड टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाय द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स। अब जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आती है सेंस होने के बाद, जो स्टिमुली है मतलब जो सिग्नल है, वो किस रूप में भेजा जाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स के रूप में। मैंने बताया था ना, एक तरह से यूँ समझ लो, ये जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है डिफरेंट सेंस ऑर्गन से कहाँ तक? ब्रेन तक। तो ये सिग्नल जा रहा है किस रूप में? इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स के रूप में सिग्नल जाता है। फिर मैंने ये भी बताया था कि जो अपने न्यूरॉन्स होते हैं उनमें सिग्नल क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। तो वीक सिग्नल को स्ट्रेंथ देने के लिए, उसको मजबूती प्रोवाइड करने के लिए, उसको स्ट्रांग बनाने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं। कहाँ पर? साइनेप्स। साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स ट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं। साइनेप्स क्या है? एक न्यूरॉन का एक्शन और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट, तो उसके बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं साइनेप्स, ठीक है। तो साइनेप्स में क्या पाए जाते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं। और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं? सिग्नल को मजबूत कर देते हैं, ठीक है। सिग्नल्स विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर सेंड टू द न्यूरॉन्स सेंड थ्रू न्यूरॉन्स टू मसल्स एंड ग्लैंड्स। अब ध्यान देना, पहले सेंस ऑर्गन से सिग्नल कहाँ पे गया? ब्रेन में गया। अब ब्रेन से, या फिर हम कहें सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, वो न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल कहाँ भेजा जा रहा है? मसल्स और ग्लैंड्स को भेजा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो साइनेप्स क्या होता है? ये साइनेप्स गैप है किसके बीच में? आपके एक्सन और डेंड्राइट के बीच में गैप होता है, ठीक है। ये मैंने लास्ट टाइम भी ये डायग्राम आपको दिखाया था, ये आप देख सकते हो। ये है आपका एक सेंडिंग न्यूरॉन है या रिसीविंग न्यूरॉन है, तो इनके बीच में जो गैप पाया जाता है इसको हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स। ये किसी एक न्यूरॉन का एक्सन है और ये है डेंड्राइट, ठीक है। ये भी यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक्शन हो गया और ये डेंड्राइट हो गया, और इनके बीच में क्या है? गैप है, जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं, जो एक्शन से आने वाले जो सिग्नल्स होते हैं उनको, इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स होती है, उनको क्या कर देते हैं? स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, ठीक है। ये और देख सकते हो, सेम टू कई सारे डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो सिस्टम है फिजियोग्राफी भी फिनिश होती है। तो एक बार फिर दोबारा से देख लो, ह्यूमन नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मिलकर बना होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। ब्रेन के 3 भाग होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में सेरेबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोगाटा, ये होते हैं, ठीक है। फोर ब्रेन मैंने बताया था क्या क्या आता है? सेरेब्रम और उसके बाद थैलेमस और हाइपोथैलेमस आते हैं। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 प्रकार के, ऑटोमेटिक और सोमेटिक। सोमेटिक वॉलेंट्री एक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ऑटोमेटिक के 2 प्रकार, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक में क्या होता है? इमरजेंसी केस, ठीक है, उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। पैरासिंपैथेटिक मतलब एनर्जी को स्टोर करने में काम आता है, ठीक है, उस समय एक्टिवेट होता है जब बॉडी रेस्ट कंडीशन में होती है। तो यहाँ पर हमारा नर्वस सिस्टम वाला टॉपिक भी खत्म हुआ। इसके बाद फ्यूचर में जब हमारा सिलेबस हो जाएगा तो उसके बाद हम रिवीजन वीडियोज बनाएंगे, उसमें क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे और क्वेश्चन देंगे, चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन लेंगे और ऐसे करके हम चीज़ों को आगे रिवाइज करते चलेंगे। फिलहाल फर्स्ट फोकस हमारा किस पर होगा? कोर्स फिनिश करने पर होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए खुश रहो, जीते रहो, मुस्कुराते रहो, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। थैंक यू।